हेलो दोस्तों, तो यार मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं एक रिसोर्ट में आया हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मिक्स वेज की रेसिपी बताएंगे। यार गाइस, रेसिपी किस तरीके से बनती है देखिएगा। आप लोगों को बाउल में तो दिख गया होगा, वहाँ पर मटर और गोभी और गाजर और हल्का पनीर था। यार गाइस, इस तरीके से इसको फ्राई किया गया है, देखिए आप लोग, फ्राई पैन में फ्राई किया गया है। उसके बाद फ्राई होने के बाद इसमें यार हल्का सा हम टेस्ट के लिए नमक मिर्ची कस्तूरी मेथी और मसाला वगैरह डालेंगे यार। उसके बाद डालने के बाद यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये डाल रहे हैं वस्ताद। ये सब डालने के बाद थोड़ी देर फ्राई करेंगे। उसके बाद गोभी को, गोभी फ्राई होने के बाद यार यहाँ पर हम लोग क्या है, उसमें ग्रेवी रहता है, ग्रेवी बना रहता है। हम लोग नहीं कहना चाहूँगा, यहाँ पर वस्ताद को पता रहता है ग्रेवी किस तरीके से बनी रहती है। ग्रेवी बनाते हैं उन लोग पहले से ही, मसाला तैयार करके ग्रेवी बन रही थी। जैसे आप चटपटी ग्रेवी है, चटपटी रहती है यार, चटपटी ही टेस्ट रहता है वैसे तो मिक्स वेज का। ये देखिएगा यहाँ पर ग्रेवी डल रही है, ग्रेवी डलने के बाद क्या टेस्ट आता है गाइस, बहुत ही लजीज टेस्ट आता है। इस पर क्रीम भी पड़ती है यार, बटर मारते हैं हल्का। ये देखिए आप लोग किस तरीके से बन रहा है यार, बहुत ही लजीज टेस्ट आने वाला है, चटपटा टेस्ट रहता है यार। आप किसी भी होटल में जाकर के ऑर्डर कीजिएगा, बाकी हर होटल का टेस्ट अलग अलग देते हैं, वस्ताद के हाथ के ऊपर रहता है यार। बाकी चटपटा ही टेस्ट आता है इसका, और देख पा रहे होगे यहाँ पर यार गाइस, मैं भंडारा एक काना रिसोर्ट में हूँ और ये हल्का सा पक रहा है यार। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग क्रीम डलेगी यार, क्रीम डलने के बाद बहुत ही प्यारा टेस्ट आता है, क्रीम डलेगी इसके बाद ऊपर में। ये क्रीम डलने वाली है यार गाइस, बहुत ही लजीज टेस्ट आएगा इसका। क्रीम भी डल गई, क्रीम डल गई। उसके बाद आप देख पा रहे होगे यहाँ पर अब डिश तैयार होने वाली है गाइस, ये डिश तैयार हो गई, डिश बनके तैयार हो गई। ये हमने पनीर निचोड़ा है, पनीर किसा है। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।